बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। बता दें कि महाराष्ट्र में कांग्रेस को विधानसभा चुनाव से ये बड़ा झटका लगा है और एनसीपी में जिशान सिद्दीकी शामिल हुए हैं। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले ही कांग्रेस को ये बड़ा झटका लगा है। बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी एनसीपी में शामिल हो चुके हैं और शामिल होने के बाद जिशान सिद्दीकी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने जो लड़ाई अधूरी छोड़ी थी, मैं उसे पूरा करूंगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को ये बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, आप तस्वीरें भी देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में आज ये बड़ा फेरबदल देखने को मिला, जहां पर कांग्रेस से जिशान सिद्दीकी अब एनसीपी अजीत गुट में शामिल हो गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए महाराष्ट्र से स्टेट हेड मंगला वाघी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मंगला जी, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में जिस तरीके से कांग्रेस छोड़कर जिशान सिद्दीकी एनसीपी में शामिल हुए हैं, इसका किस तरीके से असर देखने को मिलेगा? देखिए आकांक्षा जी, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि कुछ दिनों पहले उनके पिताजी रजिन सिद्दीकी की, बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है। हत्या होने के पहले कुछ महीने ही वो एनसीपी अजीत पवार के गुट के साथ जुड़ गए थे, लेकिन उनके जो बेटे हैं जिशान सिद्दीकी वो कांग्रेस में ही थे। लेकिन जब अभी महागठबंधन ने उनको कांगड़ा पूर्व से टिकट जो उम्मीदवारी देने की बात कर रहे थी उनकी उनको टिकट देने से नकार दिया है, नकारा है। इसलिए कल रात को एनसीपी अजीत गुट से पवार गुट में शामिल हो गए और जैसे ही शामिल होते ही उनको बांद्रा पूर्व से उम्मीदवारी मिल चुकी है। देखिए बांद्रा पूर्व जो गढ़ है वो बाबा सिद्दीकी वहां से तीन बार चुनकर आ चुके हैं। पहले एक बार कांग्रेस के सीट पर आ चुके हैं, वो मंत्री भी रह चुके हैं और वो बांद्रा पूर्व का एरिया जो है मुस्लिम बहुल एरिया है, वहाँ के मुस्लिम लोग बहुत मायने रखते हैं उम्मीदवार के लिए। वहाँ पर उद्धव सेना ने, उबीसी सेना ने वहाँ पर वरुण सरबत्ता को उम्मीदवारी दी है। अभी उनका सामना वहाँ से वरुण सरबत्ता के साथ होगा। जी मंगला जी, जिस तरीके से अभी हाल ही में आपने बताया कि बाबा सिद्दीकी की भी हत्या कर दी गई थी, उसके बाद आज जिशान सिद्दीकी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने जो लड़ाई अधूरी छोड़ी थी, मैं उसे पूरा करूंगा। इसको विधानसभा चुनाव के नजरिए से अगर देखें तो क्या मतलब निकल कर सामने आता है? देखिए, बाबा सिद्दीकी जो उनका काम बहुत अच्छा रहा है, उनके मतदार संघ में जो काम अधूरा है उनकी बहुत सारी समस्या है। बांद्रा पूर्व से झोपड़पट्टी की समस्या है, एसआरए का प्रोजेक्ट की समस्या है, बहुत सारे बहुत कुछ सालों से एसआरए की प्रोजेक्ट वहां पर नहीं हो पाई है। कहा जाता है कि उनकी हत्या के पीछे, बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे एसआरए प्रोजेक्ट जो है उसके कुछ बिल्डरों का या कुछ लोगों का हाथ है। लेकिन बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई है उसका जो सिंपथी वेव है वहाँ पर बांद्रे पूर्व में आई है, उसका लाभ जरूर जिशान सिद्दीकी को मिलेगा। जी मंगला जी, साथ ही अगर बात की जाए तो जिशान सिद्दीकी के अलावा भी भाजपा के कई नेता हैं जो एनसीपी अजीत गुट में शामिल हुए हैं, तो महाराष्ट्र में जिस तरीके से अब हाल ही में वोटिंग होने वाली है, क्या लगता है इसका असर गठबंधन पे किस तरीके से देखने को मिलेगा? देखिए, मैं आपको सबसे पहले बात बता दूं कि ताजगांव से और जो भाजपा के आमदार पहले से रह चुके हैं संजय काका पाटी, वो अभी ही सुबह उन्होंने राष्ट्रवादी में प्रवेश किया है। जैसे ही प्रवेश करते ही संजय काका को टिकट दी है, वहां से ताजगांव से टिकट मिली है। मैं आपको बता दूं कि जो वेस्टर्न महाराष्ट्र है वहां पे घर घर में घड़ी है, अजित पवार के पक्ष का जो चिन्ह है घर घर में पहुंच चुका है। वो एक तरफ से वो एनसीपी का गढ़ माना जाता है और ताजगांव से और आर आर पाटिल के जो पुत्र है रोहित पाटिल, उनको शरद पवार ने उम्मीदवारी दी है। उनके खिलाफ अभी जो बीजेपी का पास कोई उम्मीदवार नहीं था उनसे टक्कर देने के लिए, और घड़ी जहाँ तक घड़ी घर घर में पहुंच चुकी है तो बीजेपी ने ही ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी संजय काका पाटिल को पड़ेगा ताजगांव वैसे चुनाव लड़ने के लिए एनसीपी के पास भेजा है। वो जैसे ही प्रवेश किया है उन्होंने अजीत गुट में वहां से ही उनको उम्मीदवारी दी है। प्रताप राव चिखलीकर को भी उम्मीदवारी मिल चुकी है।
जहाँ जहाँ पर बीजेपी अजीत पवार का गुट दावेदार है वहाँ पर बीजेपी ने अपने कुछ लोगों को वहाँ पर भेज दिया है ऐसा कहा जाता है, लेकिन अभी तक सूत्रों ने इसका कोई कंफर्म नहीं किया है। लेकिन अंदर की बात यह है कि वहाँ पर जब बीजेपी ये जगह से चुनाव लड़ती थी वो हार चुकी थी, इसलिए उन्होंने अपने कुछ नेता है जो बीजेपी के साथ जुड़े थे जो बीजेपी में थे उन्होंने अजीत पवार के पास भेज दिया है ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है मंगला वागे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी इस खबर पर हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले ये कांग्रेस को बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी ने एनसीपी का दामन थाम लिया है, ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। उन्होंने तमाम बड़े मंथन के बाद ये फैसला किया और वो एनसीपी अजीत गुट में शामिल हो गए। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने जो लड़ाई अधूरी छोड़ी थी मैं उसे अब पूरा करूंगा। और साथ ही आपको बता दें कि एनसीपी अजीत गुट की ओर से जो उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है उसमें जीशान सिद्दीकी को टिकट भी मिल गया है।